हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रजेश सिंह। मैं आप सभी का JSSV फॉर फिजिक्स, जो हमारा मेरा नहीं आप सभी का जो चैनल है उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैं आपके लिए फार्मूला सीड लेके आया हूं चैप्टर वन की। किसकी लाया हूँ वो हम चैप्टर वन की लाया हूं। ठीक है, हम लोगों ने पहले चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकल्प, उसे हमने सॉल्व कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो हमारे JSSV फॉर फिजिक्स यूट्यूब पर टाइप करें और सर्च कर दें तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, और स्टार्ट करते हैं। हमारा मैं आपको क्या बताऊँ, ये क्यू बराबर एन यू फार्मूला, इसकी उत्पत्ति बताऊँ कि सीधे बताता हूँ, इससे हमारे बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। पहली बात, हम शुरुआत में इस फार्मूले से करीबन 15-20 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 15-20 नहीं, ज़्यादा बोल दिए, 5-6, ठीक है, करेंगे तो 15-20, पर उसमें मैं क्यू का मान निकालूंगा। किसी किसी में क्यू का मान ही पूछेगा तो मैं इस फार्मूले से डायरेक्ट निकालूंगा, अधिकांश में क्यू का मान निकालना पड़ेगा। ये कह रहा हूँ, इसकी पूरी यूनिट है, यूनिट समझे। इस यूनिट में दो पार्ट आते हैं, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट आते हैं, हम लोग कैपेसिटर के आगे, जब कैपेसिटर तक इसका प्रयोग करेंगे। अरे कैपेसिटर के आगे भी जाएंगे ना, कहाँ पे जाओगे हम, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तक जाएंगे, वहाँ तक इस फार्मूले का उपयोग करेंगे क्यू बराबर एनी का। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसकी मैं उत्पत्ति बताऊँ कि आपको सीधे बता रहा हूँ, जो सीधे बता रहा हूँ उत्पत्ति से लंबा वीडियो होगा और लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, ये आप लोगों की इतनी गलत थिंक पड़ी है तो मैं क्या करूँ। तो मैं इसकी आपको सीधे शॉर्टकट में बता रहा हूँ कहाँ से इसका, कहाँ से ये आया है और कैसे ये है। ठीक है, क्यू बराबर एनी। आप लोगों ने आवेश का क्वांटम प्रगति पढ़ा है, आवेश का क्वांटम प्रगति पढ़ा है, जिसे हम क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं, पढ़ा है आपने, स्टडी करी होगी, पहला पार्ट है, ऐसा मन से पढ़ते हैं। नई नई किताब होती है हमारे पास, नई नई किताब आती है, माता पिता जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो आपको नई किताब दिलाते हैं, तो इतना मन से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट इतना मन से पढ़ते हैं कि रोज़ भाई किताब को लेकर बैठ जाते हैं, नई किताब है पढ़ने मज़ा आएगा, इसलिए वो नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं वो इतना मन से पढ़ते हैं, बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे उम्मीद है आपने वो पढ़ा होगा, तो मैं उसकी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज हमसे ये कहता था कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कहता था कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कि किसी भी चीज़ हो वो अवेलेबल होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट में होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए। जैसे कि हम कहीं पर गए, किसी दुकान पर गए, हमने कहा कि भाई मुझे एक मार्कर दे दें, क्या कहेंगे आप, मुझे एक मार्कर दे दीजिए। मैं दुकानदार से तो कहूँगा नहीं कि मुझे तू 2.5 मार्कर दे दे, तू मुझे 0.05 मार्कर दे दे, मुझे तू माइनस का 1.5 मार्कर दे दे, तू मुझे माइनस के 2.5 मार्कर दे दे। हम उसे क्या कहेंगे, एक इंटीजर वैल्यू बोलेंगे, इंटीजर वैल्यू समझते हो, एक पूर्णांक बोलेंगे, भाई मुझे 2 मार्कर दे दे, तू 4 पेन दे देना, मार्कर डेली 4 पेन दे दे यार, यार भाई जो कुछ दे बोलूँगा मैं इंटीजर उससे। ये तो नहीं कहूँगा कि माइनस का 0.5 तू मार्कर दे दे मुझे, ये तो मैं नहीं कहूँगा उससे, मैं उससे जो कुछ भी बोलूँगा एक इंटीजर वैल्यू में मांगूंगा, मुझे एक बुक दे दे, मुझे दो बुक दे दे, मुझे आधी बुक दे दे, ये तो मैं नहीं कहूँगा। ओके, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझिएगा, कि हम उसे एक इंटीजर में, इंटीजर पूर्णांक जिसे कहते हैं, पूर्णांक इंटीजर वैल्यू में जो चीज़ मांगे उसे इंटीजर वैल्यू में मांगे, इसे आवेश का क्वांटम प्रगति कहते हैं। लिखा है किताबों में कि आवेश को अनिश्चित रूप में वाइब नहीं कह सकता, इलेक्ट्रिक आवेश है, उसे हम डेढ़ ढाई में नहीं, उसे हम पूर्णांक में पूर्णांक लेते हैं। हम किसी भी बॉडी को 2.5 गुलाम चार्ज नहीं देते, हम किसी बॉडी को ना माइनस का 3 गुलाम देते हैं, हम उसे सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू देते हैं। 2 गुलाम चार्ज मैंने इस बॉडी को दिया, मैंने 5 गुलाम चार्ज बॉडी को दिया, हम कभी उसे माइनस का 2.5005 नहीं देते, रॉन्ग, हम उसे 2 गुलाम देंगे, 3 गुलाम देंगे, 5 गुलाम देंगे, कभी भी माइनस का 0.5 गुलाम चार्ज नहीं देंगे। ओके, समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आते हैं कि इसका इस फार्मूले से क्या मतलब, यार भाई ये यन जान तो, यन ये एक इंटीजर है, लिखा होगा यन, यन फार्मूला न्यूट्रॉन संख्या है, ये सदैव एक इंटीजर आएगी। आपके कड़वा सकता हूँ मैं, आप
लिख दिया किसी भी बॉडी को मैंने 0.8 कूलम चार्ज दिया। यदि एन की वैल्यू इंटीजर आए तो बॉडी को हम चार्ज दे सकते हैं, यदि इनकी वैल्यू इंटीजर ना आए, इनकी वैल्यू कोई पूर्णांक ना हो, कोई और हो, बटे में हो, कुछ भी हो ना, दशमलव में हो, तो उस बॉडी को हम चार्ज नहीं दे सकते हैं। उतना चार्ज लिखा किसी बॉडी को 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज दे सकते हैं क्या? यदि हम निकालें इनसे एन का मान, यदि एन का मान इंटीजर आए तो हम उसको उतना चार्ज दे सकते हैं, यदि नहीं आए तो हम उसको मान, यदि इंटीजर नहीं आए तो हम उसको उतना मान नहीं दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? ओके ओके। और आपको एक बात बताऊँ, मैं सीधे फार्मूला लिखा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा स्टडी के नॉलेज के लिए यार, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है, मैं जो बता रहा हूँ उसे समझ में आए तो समझ लीजिएगा, वरना उसे निगलेक्ट कर दीजिएगा, उसका लाइफ नहीं पर इमेजिंग करना चाहिए, आप इमेजिनेशन बननी चाहिए, तभी समझ में आए, तभी मज़ा आएगा फिजिक्स में। और बात सुनिए, 100% राइट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, द स्मॉलेस्ट चार्ज डेट कैन एग्जिट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज है ये यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है, जिस पर आवेश होता है 1.6 10 की घात माइनस का 19 देता है, निगेटिव होता है, ठीक है। ये यूनिवर्स का स्वतंत्र व सबसे छोटा चार्ज है स्मॉलेस्ट चार्ज, फंडा इसे फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। ओके ओके समझ गए हुए। अब देखिएगा, हम गए किसी दुकान पे, मैंने उससे कहा क्या कहा, हमने उससे कहा कि क्यू बराबर कि तू मुझे एक क्या दे दे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे, प्लस का कहा ना, मैंने उससे कहा कि तू मुझे प्लस का एक इलेक्ट्रॉन दे दे। कैसे कहा होगा आप एक पता होगा कि मैंने उससे क्या कहा, तू मुझे प्लस का एक इलेक्ट्रॉन दे दे, कैसे कहा वो आपको बताता हूँ। अरे यार आना मारकर यार, गया दुकान पर, मैंने उससे कहा तू एक मार्कर दे दे। अब एक मार्कर जो एक इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है। फिर मैं गया, मैंने कहा दो दे दे, तू दो इलेक्ट्रॉन दे दे, फिर कहा तीन इलेक्ट्रॉन दे दे, कहीं मैंने उससे ये नहीं कहा 0.5 दे दे तू, माइनस का 2.5 दे दे, ये मैंने कभी उससे नहीं कहा, मैंने उससे सब इंटीजर वैल्यू मांगा। क्या मांगा? इंटीजर वैल्यू मांगा। ओके आप समझिए, आराम से समझिएगा, समझ में आएगा यार। क्यू बराबर, मैंने उसे इंटीजर वैल्यू मांगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मांगा, दो मांगा, तीन मांगा, और डॉट डॉट इसी प्रकार से मैंने उसको एन इलेक्ट्रॉन मांगे, एन समझ गए, कोई भी हो सकता है। तो मैंने सीधे लिख दिया यहाँ से क्यू बराबर प्लस माइनस यानी, ओके एन क्या है, ये एक दो इंटीजर वैल्यू है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ओके ये फार्मूला आया कहाँ से, इसकी कुछ तो इमेजिनेशन आपको समझ में आई होगी, या समझ सकता हूँ थोड़ा वैसा बोला, मैं जल्दी बोला तो आपको समझ में ना आया हो तो आप आराम से समझिएगा, वीडियो को पॉज करके समझ लेना, ठीक है। अब मैं इसे दुबारा तो नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ, इसलिए आप इसे आराम से समझ लीजिएगा। तो इस फार्मूले की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैंने आपको बता दी, क्यू बराबर एन कहाँ से आया, जो एक इलेक्ट्रॉन में लिया दो लिया, इसी एन क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ही एन है भाई, एन क्या है, संख्या है, इंटीजर वैल्यू होती है। मैंने आपको ये बताया एन का मान हमेशा इंटीजर होगा, इंटीजर होगा तो हम बॉडी को उतना चार्ज दे सकते हैं, वरना हम किसी बॉडी को उतना चार्ज नहीं दे सकते। ओके आप देखिएगा इस फार्मूले में है क्या, बस आपको ना समझ में डीलो, उतनी चीज ना समझ में आई हो डीलो, आपको इस फार्मूले से मतलब, ओके ठीक है। क्यू क्या है, टोटल चार्ज बॉडी को जितना चार्ज दिया गया है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, ई क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता होगा, फिर से बता रहा हूँ, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ओके मैंने जितना भी कहा आपको समझ में आया, इस फार्मूले का पूरा मैंने आपको प्रूफ बताया, कैसे आया मैंने आपको प्रूफ बता दिया, ये बुक में कहीं नहीं दिया गया होगा, दिया होगा आप समझ लेना, वहाँ पर भी मैंने यहाँ पर उसका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया, या मैंने उसका लिखा कम यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख के समझा दिया।
चाहता तो मैं आपको एक पेज का अलग बना के देता। मैंने ऊपर फार्मूला सी डाल दी थी यार, जिसे कोई भी देखे उसे फार्मूला दिखाई पड़े और वो कहता है फार्मूला सी डाल दी आपने इसमें संचित कर दिया, उसका मतलब वर्णन नहीं कर दिया, डिस्क्रिप्शन कर दिया, इसलिए मैंने इसको फार्मूला फार्मूला रख दिया। ओके आओ, ये हम पढ़ ही चुके हैं, आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा ये कूलाम का नियम है, जैसा कि मैंने इसका पूरा एक लेक्चर बनाया है। अरे आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, ये जो के है यहाँ पर है, ये बराबर 1/4 क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये है वो के है, ठीक है, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो कूलाम का नियम इसको मैं पूरा समझा चुका हूँ, पर फार्मूला पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, इसे मैं लिखना पड़ा। कूलाम का नियम है, समझ में आ गया? और ये देखिएगा, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ओके, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ क्या है, फोर्स है, क्यू क्या है, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं कि यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज होता है, जैसे कहते हैं एकांक धन आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, उसे हम कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र ई। यानी कहना क्या चाहता हूँ मैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, उसे ही कहते हैं ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट भी कह सकते हैं या क्यू डैश भी कह सकते हैं। ये जो लाइन लिखी इसे मतलब मत रखना यार, ये मैंने कहीं से कट किया था तो ये क्वेश्चन का खेल था, इसे आप मतलब मत रखिएगा। ओके, ये आप ध्यान मत देना इस लाइन को, ऐसी लिखी थी। ओके, तो ई बराबर ई वेक्टर बराबर ये वेक्टर अपन क्यू डैश, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ई को वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, कोई अंतर बात नहीं इसमें, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये क्या है, आप कहेंगे अब नीचे क्या आप लिखा है, इसका मतलब ये फार्मूला लिखा है, किसका लिखा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर निकालेंगे पर्टिकुलर बिंदु, हमें पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ओके, ये किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, इसे भी याद कर लीजिएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसमें एक फार्मूला और होता है, ये बराबर करके मैं आगे बता रहा हूँ उसको, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, जो ये जो फार्मूला है ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, मैं बता रहा हूँ ये फार्मूला जो है वो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी के लिए ये जो फार्मूला है ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर इससे सवाल बहुत लगेंगे, बल पूछेगा मुझसे ये आया कहाँ से, ये ई बराबर एफ अपान क्यू से आया, यफ निकाला ई क्यू का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये लिखा है। ये क्या कभी कभी हमसे पूछता है, क्या पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल बताइएगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बता नहीं पाते हम लोग क्या होता है, तो ये होता है यह बराबर क्यू ई या यह बराबर ई क्यू। ओके, इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिए, लर्न। वैसे मैं फार्मूला सिद्ध की मैं समझाना नहीं चाहता, आपको ऐसे ही देना चाहता था, ऐसे ही उसमें ऐसे ही मैं कुछ ट्यूनिंग डाल देता फार्मूला शीट में, सोचा कि फार्मूला उसमें क्या समझाऊँ मैं यार, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूँ या फिर मैं उसका आपको संक्षिप्त दूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊँ तो समझाऊँ उसको, फार्मूले में क्या समझ सकता हूँ, आपको ये बता सकता, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बता दिया, इसका बहुत उपयोग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट पी बराबर क्यू इंटू टू एल, ओके, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पता ही है क्यों क्या होता है, ये वैद्युत इलेक्ट्रिक मूवमेंट से हम एक आवेश लेते हैं, ये अल्प दूरी होती है, मल्टीप्लाई करोगे पी बराबर क्यू इंटू टू एल आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार रिवीज किया, आराम से समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो पॉइंट पर निकाल सकते हैं, एक एक्सियल निकाल सकते हैं, एक इक्विटोरियल। ओके, एक्सियल जब निकालेंगे तो ये होगा, यहाँ पर ये होता क्या होता है आपको पता है, तो डायरेक्शन सेम होती है इसलिए पॉजिटिव होता है। दूसरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा आराम से, जो यहाँ पर आर जो होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है ए से, आपने सब पढ़ा होगा मुझे पता है, तो ये फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये, अब आप जब इसमें पढ़ोगे तो आप हमसे यही कहोगे ना कि
कि यार ये गलत फार्मूला है, इसमें आपने माइनस क्यों लगा दिया। यार ये आपने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अपोजिट होती है पी के, इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस चिन्ह आप फार्मूले में मत लगाना, ठीक है। फार्मूले में माइनस चिन्ह का प्रयोग मत करना जब आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। वैसे माइनस होता है क्योंकि डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। मैंने बहुत निष्कर्ष किया तब ये मैंने माइनस चिन्ह सही पाया। ओके आगे आते हैं, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये फार्मूला है। ये भी फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ये फार्मूला कब पढ़ेंगे, जब हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे तब ये फार्मूला का प्रयोग करें। इसकी जो यूनिट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, न्यूटन पर मीटर। इसमें कंडीशन भी हैं। नंबर एक कंडीशन, जब थीटा 90 हो का साइन थीटा है, थीटा 180 हो, थीटा 0 हो, जिसमें ये मैक्सिमम मिनिमम होता है, वे भी ठीक है। एक चीज़ बताना चाहता था आपको मैं यहाँ पर, इसकी तीन कंडीशन है। पहली तो कंडीशन ये होगी, इसकी कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन है। पहली ये हो गई, दूसरी होगी, तीसरी कंडीशन है किसी भी बिंदु पर। ये क्या था, एक्सियल था। ये क्या था, इक्विटोरियल था। तीसरा जो है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र गिरता है एट एनी पॉइंट, ना एक्सियल ना इक्विटोरियल। इसका जनरल आता है, जनरल टर्म जिसका होता है वो क्या होता है पता, आपको पता होगा वो होता है के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है, जिससे हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। ओके एक्सियल में क्या होगा, थीटा क्या होगा 0, इक्विटोरियल में थीटा 90 होगा, निकाल लेना, ये दोनों बराबर आएंगे। ये देखिएगा, इसका अभी उपयोग है, इस उस कॉन्स्टेंट टर्म में से आप याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9×10^9 से इकट्ठी होती है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.7×10^27 होती है। अल्फा कण इंपॉर्टेंट सब है इसमें, आप इन सबको याद कर लेना। न्यूमेरिकल में इसका बहुत उपयोग होगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ, न्यूमेरिकल में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, इसलिए मैंने आपने सबको लिख दिया। ओके आज मैंने कुछ समझाया नहीं आपको, जो समझाया है वो ऐसे ही समझाया है, इसलिए आज की वीडियो का ध्यान सीरियस मत लीजिएगा, ये कुछ समझा नहीं जाता। आज मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा ऊपर जानकारी दे दी है, मैं चाहता इसको और भी अच्छा समझा सकता था, मैंने आपको नहीं समझाया क्योंकि मैंने ऊपर टॉपिक डाल दिया था ये फार्मूला सीट, जिसमें ओनली फार्मूला होने चाहिए, मेरा कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए। फार्मूला सीट ये होती है, उसमें पाठ का फार्मूला होने चाहिए चैप्टर के, मैं इसमें बोला, इसलिए मैंने इसमें इतना मस्त नहीं समझाया। फिर भी मैंने आपको जो क्यू बराबर एनी था ये आपको डिटेल में बताया ना, क्यू बराबर एनी, तब भी मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया कैसे आया, किसकी कहाँ उत्पत्ति हुई, फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट तो बताऊँगा ना मैं, आपका भाई ज़रूर बताएगा, ठीक है। और तो पढ़ चुके हैं हम लोग, चलो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, छोटा लेक्चर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। आज को मैं समाप्त करते हैं चैनल को, तो आज मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाया, इसलिए आज की जो वीडियो को मेरा ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। जो कल जो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, अब न्यूमेरिकल की जो वीडियो होगी, अगली जो वीडियो होगी हमारी, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पे होगा, तो फुल मस्ती और फुल जोश के साथ हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके और क्या, और चिल में रहिएगा, मैं बता चुका हूँ, हमेशा सीरियस मत रहा करें यार, बोर्ड पेपर आने वाले हैं, इतना सीरियस मत होइएगा, ठीक है। और क्या भाई, चिल में बैठे रहिएगा, ये कार्टून में हमेशा बना के आया हूँ, जब कहीं मूड अपसेट होता है इसे बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिएगा, अच्छा लगता है। ओके चिल में रहिएगा, चिल मतलब क्या होता है, मजाक। अरे यार इतना मजाक मत लेना कि बोर्ड पेपर निकल जाए, मजाक ही बना दे। ओके ठीक है भैया, बेस्ट ऑफ लक। ओके यहीं पॉज करता हूँ भाई।